अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग स्ट्रेंजर्स ब्लॉग। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपी है, इसमें हम बना रहे हैं पैरे पैरे चिकन बाइट्स। तो सबसे पहले हमने पैन में ऑयल ले लिया है और इस ऑयल में हम बोनलेस चिकन ऐड कर लेंगे। चिकन के हमने इतने ही पीसेस किए हैं जैसे एक बाइट के लिए होने चाहिए। तो अब हम इस ऑयल में इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1/2 कप योगर्ट ऐड किया है। और इसमें यहाँ पर हम ऐड करेंगे पैरी पैरी सॉस। ये हमने एक्स्ट्रा हॉट फ्लेवर लिया है, आप चाहें तो इसमें कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। सो पैरी पैरी सॉस भी ऐड कर लिया, ऑलमोस्ट मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऐड किए हैं। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से पका लेंगे ताकि अच्छे से इसके साथ कुक हो जाए और ड्राई जब तक हो जाएगा और चिकन भी गल जाएगा तो हम इसको पकाते रहेंगे। ये बहुत ही इजी और बहुत ही यम्मी रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली आपको हर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस तरह से देखिए हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही जल्दी से तैयार भी हो गया, क्योंकि बहुत छोटी सी बाइट्स थी तो बहुत जल्दी से रेडी हो जाती है। सो यहाँ पे हमारी पैरी पैरी चिकन बाइट्स रेडी हो चुकी हैं। और यहाँ पे हमने पीटा ब्रेड लिया है, इसको हम दोनों साइड से ग्रिल पैन में ग्रिल कर लेते हैं। इस तरह से इसको हम दोनों तरफ से पीटा ब्रेड को रेडी कर लेंगे ताकि हम अपने पैरी पैरी चिकन बाइट्स का एक अच्छा सा प्लेटर रेडी कर लें। सो इस तरह से हम दोनों साइड से अपने पीटा ब्रेड को ग्रिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ग्रिल हुई है, बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर ग्रिल की लाइन अपीयर हुई है। तो अब यहाँ पे हमारे पीटा ब्रेड रेडी हो चुके हैं। तब हम प्लेटर रेडी करते हैं जिसके पैरी पैरी चिकन बाइट्स हैं, ग्रिल पीटा ब्रेड्स हैं और कुछ सॉसेजेस के साथ। अब हम इसको एक अच्छा सा प्लेटर रेडी करते हैं। तो मायोनीज़ में मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट एंड गार्लिक पाउडर ऐड किया था और ब्लैक पेपर, इससे जो मायोनीज़ का एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। सो इस तरह से मैंने मायो सॉस रेडी किया था। तो यहाँ पे मैं मायो सॉस ऐड करूँगी और साथ ही मैं चिली गार्लिक सॉस भी सर्व करूँगी। जो ग्रिल पीटा पैक थी इसको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया था और अब हम इसको अपने प्लेटर में इस तरह से रख लेते हैं और इन सॉसेज के साथ हम अपने पैरी पैरी चिकन बाइट्स को भी अपने प्लेटर में ऐड कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी से पैरी बाइट्स रेडी हुए हैं। इस तरह से अपने प्लेटर में इसको ऐड कर लेते हैं और आप देखिए कितने टेस्टी से लग रहे हैं देखने में। और अब इसमें एंड में हम इसके ऊपर अगेन पैरी पैरी सॉस थोड़ा सा ड्रिजल कर लेते हैं ताकि इसका और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो इस तरह से हमारा पैरी पैरी चिकन बाइट्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो विद न्यू रेसिपी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड ऑलवेज टेक नेक्स्ट विद कुकिंग स्ट्रेटजीज फॉर द डिफरेंट एंड यूनिक रेसिपीज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।